दोस्तों, जो मुझे देखने को मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ जो आज की मार्केट में मुझे देखने को मिली है गाइस सबसे पहली बात ये बात समझेगा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमने देखा था गाइस तीन दिन बाद मार्केट ओपन हुई मार्केट ओपन ओपन होने के बाद हमने देखा कि मार्केट हायर साइड में ओपन हुई उसके बाद हम देख रहे थे कि कि वो जब जब नीचे आई और और फिर वही रेंज के अंदर अंदर चली गई मैंने सेक्टर एनालिसिस करी और उसके अंदर पर्टिकुलर स्टॉक्स की स्टडी कर रहा रहा था था तो मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे थे फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था यानी कि अपनी रेंज से ऊपर जा रहा था ब्रेकआउट दे रहा था फिर वहां पर हम देखते थे फॉल्स सिग्नल जनरेट होता था और दोबारा नीचे आ जाता था या फिर हम कुछ स्टॉक्स में देख रहे थे कि नीचे आ रहा था स्टॉक अपनी लोअर रेंज को नीचे की तरफ तोड़ रहा था सेल बन रहा था सेल जनरेट हो रहा था पर थोड़े टाइम बाद हम देखते थे कि वो दोबारा रेंज के अंदर जाके और हायर साइड में चले जाता था सो so गाइज ये पर्टिकुलर बहुत ज्यादा स्टॉक्स के अंदर मुझे आज देखने को मिला है तो गाइज अब आज की मार्केट मुझे ये बता रही है कि आने वाले कुछ टाइम पे मतलब दो तीन हफ्तों के अंदर अंदर शायद मार्केट एक बहुत ज्यादा अपमूव या बहुत ज्यादा डाउन मूव दे सकती है हम देख रहे हैं मार्केट किस तरीके से कर रही है तीन दिन से हम मार्केट को देख रहे हैं मतलब फ्राइडे थर्सडे की बात करें कि मार्केट हायर साइड में ओपन हो रही है नीचे जा रही है और फिर कहीं बीच में जाके बंद हो रही है एग्जैक्ट हम मार्केट में ये देख रहे हैं और बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है ऊपर खुलती है नीचे बंद होती है नीचे खुलती है तो ऊपर जाके बंद होती है सो गाइज मार्केट एक अपना फॉर्मेशन बना रही है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रही है और जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा सो so गाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से रैली भी बहुत अच्छी आएगी चाहे वो ऊपर साइड में आएगी चाहे वो नीचे साइड में आएगी सो so, अभी जो आने वाला कुछ टाइम है जो अभी तीन चार है, जो जो अभी दिन है 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 ये ये एक्सपायरी एक्सपायरी तक मार्केट बहुत ज़्यादा रह सकती है, जो उसके अंदर स्टॉक्स हैं स्टॉक्स भी उससे ज्यादा वॉलेटाइल रह सकते हैं तो बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करना, तो करना है और ध्यान से देख कर ट्रेड करना है जो आप लोग एक टारगेट चूज करके जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं सौ रुपए का और आप लोग ने अपने चार्ट्स में स्टडी करी और आप लोगों ने देखा कि उसका टारगेट एक सौ दस रुपये निकल के आ रहा है तो गाइज वहां तक के लिए वेट मत करिए सौ आठ एक सौ नौ रुपये पर अपनी टोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि अपने टारगेट्स तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं या अपने स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम देखते हैं कि बीच में से एक रिवर्सल आ रहा है क्योंकि मार्केट इतनी वॉलिटाइल है मार्केट ऊपर जाके बहुत जल्दी से नीचे आ रही है और नीचे जाके बहुत जल्दी से ऊपर जा रही है सो अपने ट्रेड्स को बहुत कॉशियसली ट्रेड करिएगा ज्यादा अभी इस एक्सपायरी तक मैं आपसे कहूंगा मे की एक्सपायरी तक ज्यादा पैसों के पीछे मत जाएगा ना ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे जाएगा कुछ क्वांटिटी बाय करिए कुछ टारगेट मिलता है मतलब कुछ पॉइंट्स ऊपर की आपको मिलता है तो आप अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ करिए दूसरी पोजीशन की तरफ बढ़िएगा तो गाइस आप लोगों को हम बढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन से स्टॉक्स हमारे अच्छे गए हैं कौन से नहीं गए हैं आज की मार्केट में झील की बात करते हैं तो गाइस झील का टारगेट आप लोगों को दिया था वन सिक्सटी का हाई था तो प्रॉबेबली के चलेंगे कि हमें तीन से साढ़े तीन ही मिला और अगर मैं क्लोजिंग प्राइस भी बात करता हूं तो वो हमारी एंट्री से ऊपर ही है तो हम मान के चलेंगे कि जी में हमें प्रॉफिट हुआ है मारुति में बात करेंगे तो मारुति में भी हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मारुति के टारगेट सेट हो चुके हैं फ्लैगन फ्लैगन पोल का इसने ब्रेकआउट दे दिया है अब गाई ब्रेकआउट दे दिया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो गाइस सबसे बढ़िया जो सेक्टर होने वाला है वो होने वाला है गाइस ऑटो सेक्टर बात करें तो हम ऑटो सेक्टर होने वाला है सीमेंट सेक्टर होने वाला है और गाइज हम बात करें तो स्टील सेक्टर होने वाला है ये तीन सेक्टर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाले हैं बट अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा और गाइस हम बात करने वाले हैं तो स्टील सेक्टर बहुत नीचे गिरेगा तो ये जो ऑटो सेक्टर है और जो आईटी ऑटो सेक्टर है और जो सीमेंट है और जो स्टील है ये तीनों एक रेंज के अंदर चल रहे हैं और अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है ऊपर की साइड में तो इन पे भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आएगा और मुझे लगता है कि मारुति तो फिफ्टी फाइव हंड्रेड तक के लेवल्स भी दिखा सकता है बट कॉशियसली इसे फिफ्टी टू हंड्रेड के ऊपर एक या दो दिन सस्टेन करना पड़ेगा सो so गाइस और फार्मा के अंदर हमें लॉस हुआ पर मैं दोबारा आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ क्योंकि अपने दोबारा एक सपोर्ट पे आ चुका है एच डी एफ सी एम सी बहुत बढ़िया था टारगेट्स हमारे हिट हो गए थे एम एन एम पे भी हमारा टारगेट हिट हो गया था अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ तो अमर राजा बैटरीज बाय करने की सलाह दी जाएगी या आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी अपने बाय करने की सलाह दी थी अमर राजा बैटरीज को तो हमने देखा था एक डिप आ गई थी तो गाइस मैं आप लोगों को आप लोगों को ये बात पता है कि चैनल का ब्रेकआउट आ गया बट उसके टारगेट तक उसे पहुंचने में गाइस मैं आप लोगों को या ये चार्ट पैटर्न ये नहीं बता सकता कि वो आज आएगा या वो कल आएगा जब ब्रेकआउट आया तो मैंने आपको ब्रेकआउट में ही बता दिया कि यहाँ पर आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं अगर वो आज टारगेट नहीं आ पाया तो प्रॉबेबली हो सकता है कि वो कल या परसों तक आ जाए सो गाइस इतना पेशेंस आप लोगों को रहना पड़ेगा यहाँ देख सकते हैं ब्रेकआउट आ गया अपनी वाली जो कैंडल में जो ब्रेकआउट आया था हमने देखा था इस वाली कैंडल पे उसके ऊपर नहीं निकल पाया थर्ड कैंडल पे भी नहीं निकल पाया फोर्थ कैंडल पे भी नहीं निकल पाया फिफ्थ कैंडल पे आज हमने देखा कि छे सौ रुपए के लेवल के ऊपर जाके हमारा राजा बैटरीज निकल पाया यानी कि पांच ट्रेडिंग कैंडल्स के बाद जाके हमने देखा कि एक छे सौ रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है तो बाय बनता है बाय बना सकते हैं सिक्स हंड्रेड एंड इलेवन सिक्सटीन तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं लेवल्स को क्लोजली आपको बताता हूँ यहां पर क्या हुआ ये देखिएगा इस यहां से ऊपर गया नीचे आया और यहाँ पर नीचे आने के बाद दोबारा एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है अब ये क्या मुझे बता रहा है ये देख रहे हैं ये वाली जो कैंडल है ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है और इसकी जो शेडो दिख रही है जो विक ये विक का जो लोअर है गाइस ये बारह का है अब गाइस आज क्या हुआ हम मार्केट में हमने देखा कि बाटा इंडिया का रिजल्ट आया क्वार्टरली और क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बुरा आया हम मान के चल सकते हैं ज्यादा अच्छा नहीं आया बट हम देख रहे थे कि गाइस 1400 के लेवल से ये बारह सौ रुपए के लेवल तक आई गई थी और उसके बाद जब हमने एक दोबारा गिरावट देखी और एक हमने देखी एक ऊपर से नीचे आई और फिर एक हैमर पैटर्न बनते हुए देखा हैमर पैटर्न बनते हुए देखा एक इन कैंडल थी अब उसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है ट्वेल्व एटी सेवन के ऊपर हमारे लिए एक बेस्ट बाय बनेगा यहां पर भी एग्जैक्ट सेम पैटर्न हुआ यहाँ पर भी आप देखेगा नीचे से एक हैमर पैटर्न डेवलप हुआ उसके बाद एक इन कैंडल आई और अगले दिन हमने देखा कि एक बहुत अच्छी बुलिश मूवमेंट आई है सो तो आप यहाँ पर भी हम एक ऐसी एक पोजिशन को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि थोड़ा सा ये नीचे जाएगा अराउंड बारह सौ अस्सी या ट्वेल्व सेवेंटी फाइव के आसपास मिलता है तो बाय भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं मेरे जो हैं हैं वो 1320 तक के हैं। जो मुझे लगता है कि कि तक जा सकता है एक या अपने। और आप देख सकते हैं एक आप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई मूवमेंट आने के बाद हमने देखा कप एंडल पैटर्न बनाया ब्रेकआउट करा पांच छह सस्टेन करा उसके बाद दोबारा नीचे आया पुल बैक करा अपने यहां पर ये पुल बैक करा और नीचे आया यहाँ सस्टेन कर रहा है अपने सपोर्ट पे और यहाँ से इसने देखा एक ऊपर की तरफ मूवमेंट पे जाके क्लोजिंग करी है सो गाइज यहाँ पर एक बाय मुझे लगता है दोबारा बनता है और ये अपने प्रीवियस हाई तक जा सकता है या उसको भी ब्रेक कर सकता है सो बाय करके चल सकते हैं सेवन ट्वेंटी के ऊपर बाय करिएगा सेवन ट्वेंटी फाइव सेवन थर्टी थ्री के टारगेट्स आप देख सकते हैं मदरसन सूमी मेरे को लगता है गाइज ये बेस्ट काउंटर है और यहाँ पर जो पोजीशन बन सकती है जून में भी मुझे लगता है बहुत अच्छी बन सकती है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये गाइस एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का एक ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आने के बाद जब मैंने देखा तो यहाँ पर जो डिलीवरी क्वांटिटीज है वो भी बहुत ज्यादा ऊंची है वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट मुझे देखने को मिला है यहाँ पर अच्छा हुआ है और यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटीज भी बहुत अच्छी है जब मैं यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस को देख रहा था तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा था मदरस ऑन सुमी के अंदर सिमेट्रिकल ट्राइंगलर का ब्रेकआउट आप देख सकते थे इस वाली कैंडल में हो गया था अगली कैंडल इसके ऊपर बंद हो चुकी है जो कि 85 फाइव का लेवल है दूसरी बात करें तो आप यहाँ देख सकते थे एक कप बनाया है और ये एक हैंडल है जरूरी नहीं है हैंडल भी बिल्कुल इस तरीके का बनेगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके का हैंडल बनता है हैंडल बनने के दूसरे भी फॉर्मेशन होते हैं तो सेकेंड फॉर्मेशन इस तरीके का होता है तो ये भी बन चुका है पहला टारगेट मुझे लगता है कि गाइस 88 और 90 तक का दिखा सकता है और जैसे ही ये 90 के ऊपर बंद होता है और क्लोज दे देता है वहां से मुझे लगता है कि सौ रुपए का लेवल भी ये दस दिन के अंदर अंदर आराम से दिखा देगा सो so गाइज इस पे अपनी एक क्लोज पोजिशन बना के रखिएगा और नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं एसीसी तो एसीसी पे आप देख सकते हैं एक बुलिश फ्लैगन पैल फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अच्छे से इंक्रीज करा है और गाइज यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है और सीमेंट सेक्टर तो आप देख रहे हैं कि रिकवरी पे आ रहे सीमेंट सेक्टर पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा आज बुलिश मूवमेंट देखने को मिली है सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके जो टारगेट्स आ रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू कि ये फिबोनाची रेशियो नहीं है जो आप लोग मैं आप लोगों के सामने बनाता फिबोनाची एक्सटेंशन है ये अलग होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे तेरह तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करते हुए लग रहे हैं अगर कल मार्केट बुलिश होती है तो मुझे लगता है कि तेरह तक के भी टारगेट दिखा सकता है हो सकता है कल क्या करे कल ये एक इनसाइड कैंडल बनाए और कल के लिए होल्ड करे और परसों जाके एक ब्रेकआउट मूवमेंट दे तो गाइज ये आप लोगों को चार्ट पैटर्न बनाया है तो इसको आप अपने फोन में रखिए इसको डाउनलोड करिए इसका स्क्रीन लेकर रखिए और या फिर इसको सेव करिए अपने जो भी आपकी वॉच लिस्ट पे है और जब आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो आप दोबारा ट्रेड कर सकते हैं ये इंट्रा डेट के साथ साथ गाइज मैं आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड भी बताता हूँ यानी कि दो तीन दिन के पर्पज से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं गाइज ये टारगेट्स हैं इसको आप नोट कर सकते हैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो गाइज निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई डाउनफॉल आने के बाद यहाँ देख सकते हैं अपने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है डाउन साइड पे बियर पैटर्न है और देख सकते हैं ये वाली रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया अब जैसे ही इस रेड कैंडल के नीचे कोई रेड कैंडल बंद होती है बॉडी बंद होती है तब हमारे लिए एक शॉर्ट सिग्नल जनरेट होता है जो कि नाइन थाउजेंड का लेवल के नीचे है सो गाइस नाइन थाउजेंड लेवल के नीचे अगर पंद्रह मिनट सस्टेन कर जाती है तो वहां से हमारे जो लेवल निकल के आते हैं वो एट वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा तो गाइस टेलीग्राम चैनल पे ये सारी डाटा ये आपको जो पांच स्टॉक्स हैं कब बाय करने करने हैं कब सेल हैं क्या टारगेट है क्या स्टॉप लॉस है निफ्टी कब बाय करना है कब सेल करना करना है है बैंक निफ्टी क्या सारी चीजें आप लोगों को मैं सुबह नौ बजे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है ये लिंक है डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा जाके ज्वाइन करिए सर्च करिए टेलीग्राम पे मेरे चैनल का नाम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एफ आई आर एस टी इन्वेस्टमेंट और आपको शो कर जाएगा अराउंड छब्बीस सौ मेबर है ट्वेंटी होंगे और वहां पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं सो so गाइस अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू कर देता है जो कि नाइन थाउजेंड सेवेंटी का लेवल है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से एक सौ रुपए की मूवमेंट भी हमें आने को मिल सकती है जो कि नाइन पॉइंट सिक्स जीरो तक भी लेकर जा सकती है जो कि हायर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी इस रेंज के अंदर काम कर रही है कि यहाँ पर होल्ड करती है एक अप मूव आ इधर होल्ड करती है मूव आ जाती है दोबारा यहाँ पर देखा एक होल्ड करा और दोबारा अप मूव आ रही है, गैस अगर यहां पर एक करता है तो मुझे भी लगता है कि कल निफ्टी तक लेवल्स दिखा सकती है बट अगर ये सेवनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी का लेवल ब्रेक करती है फोर हंड्रेड का लेवल ब्रेक करती है तो वहां से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो गाइस सेवेंटीन थाउजेंड के आ रहे हैं सो प्रॉपर एग्जैक्ट आपको में प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो में गाइस ऑप्शन स्ट्रेटजी भी है तो ध्यान से देखिएगा ये ऑप्शन कॉल है।, है थोड़ी सी भी चूक हुई तो इस चार दिन के अंदर आप पैसा लॉस कर सकते हैं क्योंकि तो गाइस यहाँ पर मैं भी बहुत कॉशियसली ट्रेड कर रहा हूँ मैंने भी आज अपनी ज्यादा पोजिशन नहीं लिया है मैंने अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म पे बताऊं तो मैंने लॉन्ग टर्म पे अबॉट को बाय कर रखा है 17,500 के आसपास मैंने 16,500 के आसपास मैंने बॉट को बाय करा है 16,800 चल रहा है मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाया एस भी मैंने वन के आसपास अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया मैंने भी बाय करा हुआ है सो सुज ये कुछ स्टॉक्स मैंने बाय करवा रखे हैं और हमने बहुत कोशियस लिया आज हमारा बैटरी उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करें हम हल्के हल्के ट्रेड करके चल रहे हैं ये तीन चार दिन उसके बाद जैसे ही मार्केट सस्टेन हो जाएगी हम अच्छे से और कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे मजन सुरी का 85 का मे का का कॉल एक्सपायरी बाय करके चलना है जो कि दो रुपये में चल रहा है टारगेट थ्री पॉइंट फाइव फाइव मुझे देखने को मिल सकता है स्टॉप लॉस का मेंटेन करके करके रखना है। करके रखना है है आपको ये एक्सपायरी तक वेट और एक्सपायरी तक वेट करके नहीं रखना है सॉरी आपको कल और परसों दो दिन के लिए ये कॉल है अगर दो दिन पे आप लोगों के टारगेट्स अचीव नहीं होते तो इस पोजीशन से निकल जाइए अगर आप लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते हैं तो भी पाँच हजार का लॉट साइज है बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करिएगा क्योंकि दस हजार की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर आपका रिस्क भी छे हजार तक का है सो so गाइज बहुत कॉशियसली ट्रेड करिएगा देखिएगा तभी ट्रेड करिएगा इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गाइज यहाँ पर आप मुझे हजार लाइक्स तो दे सकते हैं अगर आप लोगों को ये मेरी सीरीज पसंद आ रही है सो so इस वीडियो का मैं एम रखता हूँ थाउजेंड लाइक्स थाउजेंड लाइक्स आते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे बताइएगा मैं आप लोगों के रिप्लाई करने की जरूर लेकर आऊ और, और मेरे से बहुत लोग कह रहे हैं जीरोधा के बारे में मुझे बताइए कि जीरोधा पे मैं कैसे अकाउंट खोल सकता हूँ या ट्रेड कर सकता हूँ या उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं तो उसपे में कैसे जान सकता हूँ तो उसकी मैं वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ तो स्टे ट्यून्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दबाइएगा क्योंकि जैसी आइकन दबाएंगे जैसी मेरी वीडियो यूट्यूब पे आएगी तब से पहले आप देखकर कल मार्केट पे ट्रेड ले पाएंगे इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो पे साइनिंग ऑफ